सरजमी पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म्ड। आदमी दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? कैसी होगी इस बार की कहानी? क्या नया करना चाहते हैं मेकर? क्या जीवन के कैरेक्टर को भी फिल्म में फिल्माया जाएगा? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ रोबोट 3.0 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल्द ही रोबोट का तीसरा पार्ट आने ही वाला है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आज इसी फिल्म से जुड़ी कुछ खबरें सामने आई हैं। खबर है कि इस बार भी फिल्म में सोशल मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। फिल्म की कहानी इस बार ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को लेकर दिखाया जाएगा। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि फिल्म में नेगेटिव किरदार में बिग बी को देखा जाने वाला है। बिग बी को इस फिल्म के शुरुआती सीन एक साइंटिस्ट के रूप में देखा जाएगा जो समाज और अपने टीम मेंबर्स को देश में बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से अवगत कराते दिखेंगे। ये तो थी फिल्म की होने वाली कहानी, लेकिन फिल्म से जुड़ी एक और खबर भी सामने आई है दोस्तों। खबर है कि फिल्म में G1 के लुक को भी दिखाया जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के निर्देशक शंकर कहते हैं कि तीसरे पार्ट को वो अलग ही लेवल से दिखाना चाहते हैं। जैसे देश में स्पाइडरमैन और बैटमैन का क्रेज है, वैसे ही चिट्टी रोबोट को सुपर हीरो के तौर पर जाना जाए, वो ऐसा चाहते हैं। यही वजह है कि फिल्म में जीवन जैसे कैरेक्टर को दिखाकर चिट्टी 3.0 वर्जन के हिम्मत और बहादुरी परचम लहराना चाहते हैं। फिल्म के तीसरे पार्ट में डॉक्टर वसीकरण को और भी मेहनत करते देखा जाएगा ताकि वो लोगों को खतरनाक एनर्जी से बचा सके, और हो सकता है इसमें जीवन को उनकी मदद करते देखा जाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ खूंखार बिग बी होंगे और दूसरी तरफ चिट्टी रोबोट के साथ जीवन होंगे। आप सोच सकते हैं कितना मजा आने वाला है इस फिल्म में। जहां तक फिल्म की शूटिंग की बात है तो साल के अंत तक शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। फिल्म में हाई लेवल के VFX और सिनेमाटोग्राफी इस्तेमाल किए जाएंगे। बहुत सी चीजें एनिमेटेड दिखाई जाएंगी। साइंस फिक्शन से रिलेटेड चीजों को भी दिखाया जाने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। फिल्म से जुड़ी और भी खबरें आपको अगली वीडियो में पता चलती रहेंगी, लेकिन तब तक के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।